द ग्रैंड विटारा बाय मारुति सुजुकी इज़ अ वेरी वेरी हाईली एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट और आज हम उसका एक वॉक अराउंड करने वाले हैं। जितनी पॉसिबल डिटेल्स हो पाएंगी, आपको ओवरव्यू हो पाएगा, आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मारुति सुजुकी नेक्सा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो दिल्ली NCR रीजन में, तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स मिल रहे होंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए बेझिझक फॉर द बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी जो भी पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं इस गाड़ी के अल्फा माइल्ड हाइब्रिड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की। ऑटोमेटिक में अल्फा वेरिएंट है ये, जो मैं आपको माइल्ड हाइब्रिड स्पेक में दिखा रहा हूँ। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड स्पेक भी मिलता है, जिसपे एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आने वाली है, सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। यहाँ पर स्टार्ट करें इसके फ्रंटल ओवरव्यू से, तो आपको ऊपर ये 3 पॉड DRLs मिलते हैं विच डबल अप एज इंडिकेटर्स ऑल्सो। तो ये डुअल फंक्शन DRLs हैं जो अभी फ़िलहाल इंडिकेटर्स का काम कर रहे हैं। LED बेस्ड है कम्प्लीटली, LEDs का भरपूर इस्तेमाल है। मेन हेडलैम्प सेटअप आपको LED बेस्ड मिलता है, बट अगर सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ आपको बाय प्रोजेक्टर हैलोजन्स मिलेंगे। बेसिकली हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिए जाएंगे, बट ये जो डिज़ाइन है ओवरऑल एस्थेटिक्स जो हैं वो सेम ही वहाँ पर भी रखे जाएंगे। जीटा में आपको डेफिनेटली यहाँ पर LED बेस्ड मेन हेडलैम्प ही मिलने वाला है। अब देख लीजिए ओवरव्यू, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी एक कमांडिंग इसकी पोजीशन रखी गई है। हाई राइडर से बहुत अलग है इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, अगर हम फ्रंट एंड की स्पेसिफिकली बात करें तो। ये एक पियानो ब्लैक ग्रिल के अंदर इसको हाउस किया गया है, जो अच्छा लगता है। नीचे की ओर कुछ एक्सेसरीज लगाई गई हैं। स्किड प्लेट आपको मिलती है गाड़ी के साथ स्टॉक भी, बट ये कुछ क्रोम एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो लगाए गए हैं एडिशनली, जिनके आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने होंगे। जो माइल्ड हाइब्रिड वर्जन में अभी आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ वो सिग्मा डेल्टा जीटा और अल्फा वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा। फिलहाल ये अल्फा वेरिएंट है आपके सामने। बात करें एक बार एक ग्रिल की, सेंट्रल फैशिया की, तो अगेन क्रोम की चंकी एलिमेंट्स हैं। पियानो ब्लैक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल रखा गया है, जिसके कारण एक फ्रेश अपीयरेंस ज़रूर निकल के आती है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का फ्रंट कैमरा यहाँ पर ग्रिल में कैमोफ्लाज्ड है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्लेस किया गया है। एंड बलिनो एंड जो हम नई मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ देख रहे हैं, वैसे ही आपको जो आउटपुट है कैमरा का भी दिखने वाला है। एक बारी देख लीजिए एक बारी पूरा ओवरव्यू ग्रिल का आप फिर से। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कॉल्ड bootmo.com। नाउ व्हाट इज bootmo.com? bootmo.com इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कार स्पेयर पार्ट नीड्स। तो आपको हर ब्रांड, हर व्हीकल, चाहे वो छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो या कोई लग्जरी व्हीकल हो, उनके स्पेयर पार्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। यू डोंट हैव टू एंटर एनी शॉप, नो कंसर्न ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, आपको घर पे डिलीवर वो करके जाएंगे। यू गेट अ वैरायटी ऑफ डीलर्स एंड सेलर्स ओवर हियर, सस्ती प्राइस से लेके महंगी प्राइस तक आप सॉर्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको 10 डेज की रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। अगर वो पार्ट आपकी गाड़ी में नहीं फिट होता है तो आप उसको 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जरूर आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स हैं। ऐप आपको iOS एंड Android दोनों पे मिलेगी, तो आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे। जो नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड या स्मार्ट हाइब्रिड वर्जन आपको पहले से मारुति की गाड़ियों में मिलता रहा है, उसमें आपको सिर्फ अल्फा वेरिएंट्स में ही ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी ऑफर करी गई है, वो भी मैनुअल वेरिएंट में। क्लैडिंग आप देख लीजिए, आपको ऑल अक्रॉस द कार मिलने वाली है, तो वो अच्छा एक रगेड अपीयरेंस देती है। 21560R17 इंच के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर ऑफर करे गए हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के साथ। सेफ्टी फीचर्स की बात हम अंदर जाके इंटीरियर्स में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी में क्या कुछ आपको एडिशनल ऑफर किया जाएगा अल्फा वेरिएंट में मैनुअल के साथ अगर आप खरीदते हैं तो। द रियर एंड ऑफ द ग्रैंड विटारा इज पर्टिकुलरली माय फेवरेट, बहुत ही अट्रैक्टिव इसको रखा गया है। यू कैन सी दिस फ्यूचरिस्टिक वाइड LED टेल लैम्प क्लस्टर, जो बेसिकली टेल गेट के दोनों ही एंड्स को जॉइन कर रहा है, एंड बहुत ही एक अच्छी विर्थ लैंड कर देता है गाड़ी को। गाड़ी की जो विर्थ है बेसिकली बहुत ही अच्छी निकल के आती है। ग्रैंड विटारा की बड़ी बड़ी लेटरिंग यहाँ रखी गई है, एंड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगती है अपने आप में। जो स्मार्ट हाइब्रिड का बैज आप अब तक देखते हुए आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा K15C इंजन के साथ। यहाँ पर आपको मिलता है इंडिकेटर और रिवर्स लैंप, एक वर्टिकली माउंटेड एलिमेंट में यहाँ पे इसको लगाया गया है, जो यूनिक लगता है डेफिनेटली। मुझे कोई भी इशू नहीं लगा इसके डिज़ाइन एस्पेक्ट में, ज़रूर ये भी एक अच्छा एलिमेंट आपको लगेगा।
अब है तो ये टॉप वेरिएंट ही, तो रियर वाइपर एंड इंटीग्रेटेड डिफॉगर जैसी चीज़ें बहुत ही बेसिक फीचर्स हो जाते हैं। ये क्रोम का एलिमेंट एक्स्ट्रा लगाया गया है एज एक्सेसरीज जो आपको जगह जगह दिखेंगे एंड आई विल बी पॉइंटिंग दैट टू। ऊपर यहाँ पे हाई माउंट डेस्कटॉप लैंप आपको डेफिनेटली दिखने वाला है एंड पियानो ब्लैक जैसा मैं बता रहा था डुअल टोन वर्जन है आपके सामने जो खड़ा हुआ है, तो आपको स्पॉइलर पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पे मिलेगा अलॉन्ग विद द शार्क फिन एंटीना ऑल्सो। देख लीजिए आप एक बार इसके रूफ का ओवरव्यू, डुअल टोन वेरिएंट है एज आई ऑलरेडी मेंशनड। लोअर बम्पर पे आपको अगेन एक स्किड प्लेट मिलेगी पियानो ब्लैक का, काफ़ी अच्छा काम किया गया है। चार पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको चार ऑफर करे गए हैं, नो कॉस्ट कटिंग इन दैट एस्पेक्ट। बाकी क्रोम का काम यहाँ पर भी है, तो इंडियंस लव क्रोम एंड मारुति ने उस बात का पूरा पूरा ख्याल यहाँ पर रखा है। एक बार अगर बूट स्पेस को एक्सेस कर लिया जाए तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट रिलीज तो मिलता ही है विच इज़ अ नॉर्म, एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट दिखाई देगी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द 360 डिग्री पार्किंग कैमरा यूनिट इट्सेल्फ। फ्रंट एंड रियर बम्पर की तरह थोड़ी सी जो साइड प्रोफाइल है आपको बिजी लग सकती है, उसका ये भी कारण है कि यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड हैं। बाकी ये सिल्वर एक्सेंट्स आपको मिलेंगे स्टॉक गाड़ी में भी। क्रोम की एक सिल रन करती है अलोंग द विंडोज़ एंड बहुत ही बड़ा विंडो एरिया आपको मिलेगा विच इज़ ए गुड थिंग। ये सन वाइजर्स हैं विच आर अगेन अ पार्ट ऑफ द एक्सेसरीज ओनली। एक बार रूफ देखिए बिकॉज जो पैनोरामिक सनरूफ आपको इस वेरिएंट में मिल रही है ग्रैंड विटारा एंड हाई राइडर में मिल रही है टोयोटा की तरफ से, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन देयर सेगमेंट। वो इसलिए नहीं क्योंकि इनका साइज ओवरऑल बड़ा है, इसलिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक खुलती हैं अपने आप में, लगभग नॉर्मल साइज़ के सनरूफ के दो गुना साइज पे खुल जाती हैं जो मैं आपको इंटीरियर्स में जाकर दिखाऊंगा। रूफ रेल्स आपको इंटीग्रेटेड यहाँ पर दी गई हैं बट आई एम नॉट श्योर करेंटली इफ दीज आर फंक्शनल और नॉट। यहाँ पर जो मैं क्रोम के बारे में आपको बता रहा था, क्रोम का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स ये हैं अल्फा वेरिएंट में भी। जब आप डोर खोलेंगे गाड़ी का, आई बी वेरी ऑनेस्ट, उतना ज़्यादा भारी फील नहीं होता है इसका दरवाज़ा जितना एक्सपेक्टेड था। अगर आप ब्रेज़ा से कंपेयर करेंगे, लगभग ब्रेज़ा के दरवाजे जितना ही वेट है इस गाड़ी के दरवाजे का। यहाँ पर सॉफ्ट टच एलिमेंट्स काफ़ी हैं, ये लेदर रेट का इस्तेमाल किया गया, ब्राउन कलर की अपोस्ट्री है विथ कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग विच लुक्स रियली रियली नाइस। फिट एंड फिनिश इज एक्चुअली ऑफ गुड क्वालिटी। यू गेट अ स्मॉल कबी होल स्पेस एंड कंट्रोल्स फॉर योर ORVMs, ये अगेन पार्ट शेयरिंग रखी गई है बट पियानो ब्लैक कलर के इस कॉन्सोल में इसको प्लेस किया गया है तो ये डेफिनेटली बेटर लगता है इन कंपैरिजन टू अ मैट ब्लैक फिनिश। नीचे की ओर बढ़ें तो स्टोरेज स्पेसेस सेम है, 1 लीटर की बॉटल आप रख सकते हैं, मैगजीन होल्डर के लिए आपको जगह मिलती है। 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम आपको ऑफर किया गया है, कोई ब्रांडेड ऑडियो नहीं है पर्टिकुलरली, तो 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर आपको मिलने वाले हैं फ्रंट रो में। LED लाइट्स के साथ ये एक स्कफ प्लेट यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ तक मुझे जानकारी है ये भी एक्सेसरीज का ही पार्ट है। इसके अलावा सीट्स की एक बारी बात करते हैं बिकॉज यहाँ पर बदलाव हैं, ऐसी सीट्स हमने मारुति सुजुकी में देखी नहीं है अभी तक। कुशनिंग के मामले में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ करी गई है, बोलस्टरिंग बहुत अच्छी है एंड जो बकेट फिटिंग ऑफ लेदरेट सीट्स हैं ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रिम, दिस वाज आल्सो ऑफ एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी। कुशनिंग भी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। हाइट एडजस्टेबल सीट है बट आई थिंक जिस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी आएगी, जो एक्सपेक्टेड प्राइस पॉइंट है बिटवीन 9.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम टू 18.5 लाख एक्स शोरूम, जो मेरा अनुमान है, उसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट हो सकती थी। आपको स्टार्ट स्टॉप बटन दिखने वाला है जिस पे डैशबोर्ड पे भी लेदर का काफ़ी अच्छा काम है, सॉफ्ट टच फिनिश है जो आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगी। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का बटन एज वेल एज हेडलैम्प लेवलिंग के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगे ड्राइवर के राइट हैंड साइड पे। AC वेंट्स के अलॉन्ग पियानो ब्लैक की बाउंड्री आपको दिखाई देगी। ORVMs पे गौर किया जाए तो पियानो ब्लैक में है सिंस ये डुअल टोन वेरिएंट है। इसके अलावा एक क्रोम की एक्सेसरी यहाँ पे लगाई गई है, क्रोम का एलिमेंट है। LED इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल, पर कोई भी हीटिंग का या डिफॉगिंग का फंक्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता। नीचे बढ़ेंगे तो 360 डिग्री पार्किंग कैमरा का जो कैमरा है आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, तो आपको दोनों ही ORVMs पे प्लेस्ड मिलेगा। टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आपको 2 वर्जन मिलते हैं। एक है नॉर्मल बेसिक वर्जन जो 1.5 लीटर का इंजन है, K15C जो अर्टिगा XL6 ब्रेज़ा में हम देखते हुए आ रहे हैं, सियाज में भी लगभग 103 BHP की पावर ये इंजन निकालता है एंड अबाउट 136.8 Nm ऑफ टॉर्क। 6-speed टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड मैनुअल के साथ आपको ऑफर किया गया है।
ये अल्फा वेरिएंट है जिसमें ऑटोमेटिक में अभी आपको फिलहाल दिखा रहा हूँ, अब चाहें तो इसमें मैनुअल में ऑल ग्रिप वर्जन ले सकते हैं, ऊपर इंसुलेशन आपको ऐसी कुछ ऑफर करी गई है। सो गाइस बैठ गए अभी हम ग्रैंड विटारा 2022 के अल्फा माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर, ऐसी कुछ आपको जो चाबी है यहाँ पर ऑफर करी गई है, सेम चाबी हैं जो अभी तक आपको मारुति सुजुकी में मिलती हुई आई हैं। अभी इग्निशन मैंने ऑन कर रखा है, देखते हैं स्टार्टिंग से क्या कुछ आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है ओवरऑल। तो स्टीयरिंग व्हील जो है फ्लैट बॉटम नहीं है, आपको कम्प्लीटली राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बट आपको टिल्ट एज वेल एज टेलीस्कोपिक दोनों के एडजस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पर ऑफर करी गई है इस अल्फा वेरियंट के अंदर। लेफ्ट साइड को कंट्रोल्स हैं आपके ऑडियो के रिलेटेड, राइट साइड को आपको क्रूज कंट्रोल यहाँ पर ऑफर किया गया है, नीचे वॉइस कमांड एंड कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन के बटन्स आपको मिलते हैं। अब आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता है माइल्ड हाइब्रिड में, आपको अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेंगे तो ECVT ऑप्शन मिलेगा, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड को वाइपर के कंट्रोल्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, राइट साइड को आपको हेडलैम्प्स के जो कंट्रोल्स हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर ऑफर करे गए हैं। ये जो MID है ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, माइल्ड हाइब्रिड है, आपको नॉर्मल जैसी मारुति की अर्टिगा XL6 बलेनो ब्रेजा में नई MIDs मिल रही हैं वो आपको ऑफर करी गई हैं। 4.2 इंच की TFT डिस्प्ले है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 7 इंच की कंप्लीट डिजिटल 7 इंच की TFT जो डिस्प्ले है ऑफर करी जाएगी। बीच में आते हुए अब पहले आपको बता देता हूँ, 6 एयरबैग्स ABS CVT हील होल्ड कंट्रोल TPMS हील डिसेंट भी आपको मिलता है, बट वो सिर्फ आपको मैनुअल में ऑल ग्रिप वर्जन के साथ मिलेगा। ये जो अल्फा वर्जन है माइल्ड हाइब्रिड में आपको ऑल ग्रिप वर्जन के साथ मिलेगा। अब ऑल ग्रिप वर्जन में आपको बेसिकली क्या मिलता है, आपको 4 मोड्स ऑफर करे गए हैं अलग अलग टेरेन्स के, एंड मारुति का अपना ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम वो बेसिकली है। बाकी अब यहाँ पे बात करते हैं, 9 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको ऑफर किया गया है, 4 स्पीकर्स हैं, 2 ट्वीटर्स हैं, सेम बलिनो वाला आपको पूरा का पूरा UI है दिया गया है, काफ़ी स्मूथ टू यूज़ है, मतलब मुझे ऐसा जिसमें कोई इशू दिखाई नहीं दिया, काफ़ी स्लिक है, ज़्यादा हैंग वगैरह नहीं करता, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आपको डेफिनेटली मिलता है जैसा मैं बता चुका हूँ। अब आप ड्राइविंग रेंज एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह भी यहाँ से काफ़ी कुछ एक्सेस कर सकते हैं, सारे के सारे कैपेसिटिव बटन से, अगर फिजिकल बटन होते तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर अपने आप में हो जाता। यहाँ पे ब्रश्ड एल्युमिनियम एक्सेंट्स आपको मिल जाते हैं AC वेंट्स पे जो अच्छे लगते हैं, पूरा पियानो ब्लैक कंसोल है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, यहाँ पर आपको ESP को ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, USB का बटन यहाँ पर है, बेसिकली USB का सोर्स यहाँ पर है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पर आपको HUD एक्स्ट्रा मिलेगा, वायरलेस चार्जर एक्स्ट्रा मिलेगा, EV के जो मोड्स हैं वो वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 360° व्यू कैमरा आपको डेफिनेटली मिलता है, तो वो मैं आपको एक्सटीरियर्स में भी दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ जो पूरा व्यू है आपको मिलता है, आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ये आपके लिए रहेगा, बिकॉज 5 मीटर से लंबी गाड़ी ये आपको मिलने वाली है। ट्विन कप होल्डर्स हैं, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, लगभग 21 KMPL की क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी फिगर आपको इस गाड़ी में मिलती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है जो एडजस्टेबल है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, तो कंफर्ट के मामले में बहुत बढ़िया आपको लगेगा, आपको लेदरेट सीट्स ऑफर करी गई हैं, एंड ओवरऑल ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज का आपको मिलेगा। 2 ट्वीटर्स की प्लेसमेंट वहाँ पर है, आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, सनग्लास होल्डर यहाँ पर है, आपको हैलोजन बेस्ड रीडिंग लैंप्स ऑफर करे गए हैं। बाकी जो सनरूफ है इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है, इतना बड़ा आपको सनरूफ यहाँ पर मिल रहा है, पूरा पैनोरामिक रूफ है जो पूरा पीछे तक खुलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर्स, बढ़ते हैं अब सेकेंड रो स्पेस में। अब रियर सीटिंग स्पेस में मैं बैठा हुआ हूँ सेकेंड रो में ग्रैंड विटारा की, एंड जो फ्रंट सीट है लगभग 5 फीट 10 इंचेस के इंसान के हिसाब से मैंने सेट करी हुई है, एंड आप नी रूम देखिए, नी रूम मेरे पास अच्छा खासा है, मुझे कोई इशू यहाँ पर नहीं हो रहा है। अंडर थाई सपोर्ट इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है। रियर AC वेंट्स है, ट्विन आपको Type-C USB के सोर्सेज भी यहाँ पर ऑफर करे गए हैं। बाकी फ्लोर हम्प आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूर दिखेगा, थर्ड पैसेंजर के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी हेडरेस्ट है, रिक्लाइन एंगल काफ़ी एप्ट मुझे लगा, 60-40 स्प्लिट रेशियो में आप सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। विड्थ के मामले में 2 फुल साइज एडल्ट्स और 1 बच्चा बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर बैठा सकते हैं, शॉर्ट जर्नीज के लिए 3 एडल्ट्स भी यहाँ पर बैठ पाएंगे। ओवरऑल ऐसा कुछ ओवरव्यू आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चौड़ा सनरूफ खुल जाता है, देखिए यहाँ तक पूरा सनरूफ इसका खुल रहा है, पैनोरामिक रूफ है, बट सबसे खास बात यह है कि ये पीछे तक पूरा खुलता है। जो ग्रैंड विटारा है उसके डिस्पैचेस लगभग सितंबर एंड से स्टार्ट होंगे, बिकॉज लॉन्च डेट की ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं, तो मैं
जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपको लगभग सितंबर एंड में इसके डिस्पैचेस मिलेंगे फैक्ट्री से। इसके अलावा मुझे लगता है 9.5 लाख रुपये एक्स शोरूम से इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाएगा, बट वो इंट्रोडक्टरी प्राइजेस रहेंगे। ऊपर जाते जाते मुझे लगता है इसकी जो जीटा प्लस एंड अल्फा प्लस वेरियंट्स हैं जो ई सी वी टी के साथ आएंगे एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन जो है वो मुझे लगता है लगभग 18.5-19 लाख रुपये तक जाएंगे। हो सकता है 20 लाख रुपये भी टच करें, बिकॉज इस गाड़ी पे आपको सब्सिडी भी मिलेगी, कुछ रिफंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये सब चीज़ें अभी तक पूरी तरह इनग्रेव नहीं है कहीं पर, कहीं पे ऑफिशियली नहीं बोला गया है, बट ये जो अंदाज़ा है वो मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल आइकॉन ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।